हे एवरीवन, अमेज़ॉन स्किन केयर हॉल आपसे शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि 4th to 8th मई अमेज़ॉन ग्रेट समर सेल इज़ लाइव और 50% to 80% आपको ऑफ मिल सकता है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से क्लिक करके अपने लिए आप ले सकते हैं। नंबर वन प्रोडक्ट इज़ दिस प्योर शिया बटर फ्रॉम अल्प्स गुडनेस। ये वीगन है, 100% प्योर है, कोई केमिकल नहीं है, कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं हुई है और प्रिजर्वेटिव फ्री है। अंदर से आपको दिखाऊं तो ये ऐसे थिक फॉर्म में आता है। अगर आपको इसको रेमेडीज़ में यूज़ करना है तो थोड़ा मेल्ट कर लें, एज अ कैरियर ऑयल भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी और ऑयल में लगा के मिला के अपने बॉडी या हेयर पर यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ न्यूट्रोजना हाइड्रोबूस्ट 3D स्लीपिंग मास्क। ये इनका स्लीपिंग मास्क है, जो कि नाम से पता चलता है कि आपको नाइट यानी कि रात को यूज़ करना है। ये 3D स्लीपिंग मास्क है जिसमें एक्स्ट्रा हाइलुरोनिक एसिड दिया गया है ताकि रात को जब इसको आप अप्लाई करें तो आपकी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो, उसको सॉफ्ट सपल एंड स्मूथ बनाए और अंदर से टेक्स्चर इसका वाइट कलर का थिक मॉइस्चराइज़र जैसा इसका मास्क है। आपको कुछ नहीं करना है, फेस वॉश करें अपना और इसको अच्छी क्वांटिटी में लें, ऑलमोस्ट 1 पी साइज़ के करीब या 1 या 1.5 पी साइज़ जैसा, और उसे अच्छे से फेस पे लगा के सो जाएं। थर्ड वन इज़ अल्प्स गुडनेस का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये भी एज अ कैरियर ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, दूसरे ऑयल्स के साथ मिला के इसे डायरेक्टली आप स्किन पे भी लगा सकते हो, हेयर पे भी लगा सकते हो और ये डैंड्रफ को ठीक करता है। आपकी स्किन में ड्राइनेस है, फ्लेकीनेस है, उसको ठीक करता है। स्मेल इसकी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं ताकि इसकी खुशबू थोड़ी सी चेंज हो जाए, और अगर आपकी स्किन में किसी तरह की एलर्जीज़ हैं वो भी इससे ठीक हो सकती हैं। देन ये है हेल्थ सेंस नैनो क्योर का फेशियल लोनिक स्टीमर। अब तक का सबसे अच्छा स्टीमर जो मुझे लगा, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। 1799 इसकी 1799 इसकी कॉस्ट है। मॉडल नंबर इसका मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। इस तरीके से इसकी प्लास्टिक बॉडी में आता है, बट बहुत ही स्टर्डी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी है। पिंक एंड वाइट कॉम्बिनेशन का इसका पूरा का पूरा बॉडी है। प्लस ये जो इन्होंने साथ में एक सीवर काइंड ऑफ थिंग दी है, जिसके अंदर अगर आप ये जो कॉटन बड्स दिए हैं इसमें किसी भी तरह का एसेंशियल ऑयल डालें और इसके ऊपर रख के इसकी स्टीम लेंगे तो वो ऑयल का फ़ायदा भी आपको देगा। पीछे ऐसे बॉडी दी गई है, एक प्लास्टिक बॉटल की तरह। इसमें आपको ओनली एंड ओनली आरओ का फिल्टर्ड वाटर डालना है या नॉर्मल फिल्टर वाटर डालना है आपको, टैप वाटर नहीं यूज़ करना है। इसमें आपको पूरा ऊपर तक जहाँ ये लाइन दी गई है वहाँ तक आप इसे भर लें, बंद करें और इसको उल्टा ऐसे करके लगा दें। लीक नहीं होगा ये, जब आप इसको डालेंगे तो ये अपने आप प्लग इन जब आप करो, इसको ऑन करो तो ये अच्छे से इसकी स्टीम बनाना शुरू कर देता है। एक बार की जो बॉटल में अगर आप पूरा पानी भरते हो तो ये 8 मिनट तक आपको स्टीम देगा, विच इज़ इनफ फॉर 2 पीपल। अगर आप 3-4 मिनट भी स्टीम लेना चाहें तो अच्छी स्टीम इसकी आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल भी हार्श स्टीम नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट स्टीम है। और बालों को स्टीम करें, चाहे स्किन को स्टीम करें, ज़ुकाम में स्टीम करें या होम रेमेडीज़ में स्टीम करें, इट्स एब्सोल्युटली ईजी टू यूज़ और टोटली वर्थ द कॉस्ट है। ये मेरा फेवरेट, जैसे कहे ना स्किन केयर, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो आज तक मैंने यूज़ किया है। ऑन एंड ऑफ बटन है, ऑफ़ करना है तो आप इसको यहाँ से प्रेस करके बटन को बंद कर दें और उसके बाद पावर प्लग से निकाल दें। पानी जो इसमें रहा है उसको आप खाली कर दें, इसको बहुत करने ही से हैंडी है, खाली करना बहुत लाइट वेट है। इसमें छोड़ दें इसको, अगर आपका माउथ क्लोज करना चाहे तो उसके लिए लिड दिया गया है, जस्ट पे ऐसे खराब बना है, पानी को हमेशा खाली कर दें पहले एक बार, लिड को लगा उसके बाद इसे स्टोर कर सकते हैं आप दोबारा। डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन प्रोडक्ट। एक बार आप इसको यूज़ करके देखें, यू विल बी अमेज्ड कि कितना ईजी बना देता है आपकी लाइफ को। और जो इसके साथ में जो अटैचमेंट्स भी दी हैं वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दी गई हैं। देन ये प्रोडक्ट है रिक्विल का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, वाइट हेड्स बनते हैं, सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये मेरी इसकी शायद तीसरी या चौथी बॉटल है, मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। चाहे विंटर्स हों चाहे समर्स हों, मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको एज अ क्लेंजर रात के टाइम पे यूज़ करें और मॉर्निंग में खाली पानी से अपना फेस धो लें। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा ड्राइंग है, क्योंकि जेल बेस्ड है तो हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा ड्राइंग इफेक्ट आ रहा है इसका, बट
ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा ड्राई आपकी स्किन को बिल्कुल भी नहीं करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप अपने लिए ले सकते हैं। आई होप यू लाइक दीज स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बहुत जल्दी मिलूंगी किसी और अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, या मे बी किसी क्लोदिंग यू नो अनारकली सूट या कॉटन कुर्तीज़ के रिव्यूज़ के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।